डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिक संस्थान दरभंगा में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में नए प्रवेशिक छात्रों के स्वागत, उनकी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के अध्यापकगण एवं नए छात्र व उनके अभिभावक व वरिष्ठ छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, संस्थान के मार्गदर्शक और मुख्य अतिथि प्रोफेसर निर्मल कुमार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय कुमार पंडित और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रोग्राम है, इंडक्शन का मतलब होता है जब आप किसी भी कोर्स या किसी भी डिग्री की शुरुआत करते हैं तो उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, कितना समय लगेगा, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स होते हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, वो पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए होती है। और थोड़ी सी जानकारी ये दी जाती है कि आपका व्यक्तित्व आपके कैंपस में कैसा होना चाहिए, आप कैसे अपने गोल के को अचीव करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो सबसे इम्पैक्ट फैक्टर जिसका 100% होना चाहिए, वो था मेंटर का नोटिफिकेशन। वो हर एक ब्रांच के टीचर्स को मैंने बुलाया, डायरेक्टर साहब को, हर एक ब्रांच के टीचर को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करके वो मेंटर बना देंगे, जिनका काम पढ़ने के अलावा, कैरिकुलम के अलावा, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स और कैसे वे अच्छा करें, वो सभी तरह की काउंसलिंग देने का रहता है। तो अभी मेरे बाद जितने भी टीचर्स आएंगे वो अपने सब्जेक्ट्स का बताएंगे कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन किस किस सब्जेक्ट्स का हुआ है, उसके कितने क्रेडिट हैं और कौन कौन सा टीचर लैब लेगा। दिस शुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपके यहाँ जिस जिस ब्रांच में एज पर रूल जितने टीचर नहीं होंगे, हम लोग टीचर उसमें से डालेंगे। जिनका सैलरी AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से तो नहीं दे पाएंगे, आप चूँकि आपका वैसा परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट का नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो दे रही है गेस्ट फैकल्टी को, वो मिलेगा। साथ में न टीचिंग में देखेंगे कि किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से आपके यहाँ ऐसा परिपाटी बना है कि जो भी कुछ आए, कहीं कुछ नौकरी देना है तो कहीं घुसा, तो वो देखा जाएगा कि WIT में कितने सैंक्शन पद हैं नॉन टीचिंग के। टीचर्स का तो मैं जो भी तुरंत बता सकता हूँ वो मैं वेरीफाई करूँगा, और उनको भी सम्मानजनक जो इन्हांसमेंट होगा वो कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्क कल्चर अगर नहीं होगा, आपके डायरेक्टर ने मेल से रिज़ाइन किया है, मैं इनसे क्वेरी करूंगा उस रिजाइनेशन कि इन्होंने जिस कारण से दिया होगा और जिस व्यक्ति ने झगड़ा किया होगा या समूह ने किया होगा, सबको टर्मिनेट में कर दूंगा। यही इंडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूं। आप अपने डायरेक्टर से झगड़ा करेंगे, वो रिवेंज में दुखी होके वो रिज़ाइन करेंगे, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और उसके लिए जो भी व्यक्ति इन्होंने अगर कहा है कि फाइल बनाने के लिए, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे किसको आपने बोला फाइल बनाने के लिए, नहीं बनाया, शाम तक में उसको टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। सो विद दीज वर्ड्स, वेरी गुड, थैंक यू। कोई सिस्टम आगे नहीं बढ़ता है, और जिस जिसने ऐसा काम किया होगा उसको संस्था में रहने का कोई हक नहीं। थैंक यू वेरी मच। प्रारंभ हुआ है, इसमें बच्चे एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 24-28 बैच के, तो सभी तकनीकी संस्थानों में ये परंपरा है कि एक सप्ताह का प्रेरण वर्ग होता है। अब तो UGC ने कर दिया है, कॉलेज सब भी इसमें पहले से था, एक सप्ताह हम बच्चों को बताते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या बनना है, क्या अनुशासन होगा, क्या उनका सिलेबस है, और उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर उनका भाषण कराया जाता है ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और वो बच्चे अच्छा करें। उसी के तहत AICTE ने कहा था कि 23 अक्टूबर से क्लास शुरू करना है, तो
आज 23 अक्टूबर है, इसलिए हमने पहला क्लास प्रारंभ किया। और प्रेरण क्लास के लिए हमने डीसी भागलपुर के पूर्व प्रधानाचार्य जो भगवपुत्र विद्वान हैं उनको बुलाया था। हमारे कुलपति भी वैसे तो फिजिक्स के हैं लेकिन इनका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो भी सब काम छोड़ के आए थे। ये बहुत बड़ी बात है और ये अभी 7 दिन लगातार चलेगा। हम ऐसे ही विद्वानों को बुला बुला कर अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको उनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे ताकि जब क्लास शुरू हो तो बच्चे सब कुछ जानते रहें, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या अनुशासन है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब पहले से पता रहेगा, उसी लिख पर बच्चे चलेंगे और वो अच्छा करेंगे। सर